ever done anything like this? आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉरर मूवी होस्ट को, जो कि एक अमेरिकन वीडियो प्लेटफॉर्म शडर ने बनाई है। फिल्म स्टार्ट होती है जूम सेटिंग से, जी हाँ, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से। हाँ, तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की जिसका नाम हेली होता है, जो कि एक पर्सन जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली थी ताकि वो अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सके। उसी समय उसके घर में उसे एक अजीब आवाज आती है, जिसके कारण उसका पता करने के लिए हेली दूसरे कमरे में जाती है और बोलती है हेलो, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और तभी दूसरी आवाज आती है जो कि उसके नेबर जेमा की होती है, जो रोड पर खड़ी होकर उसे दूसरों से पहले जूम मीटिंग में एडमिट करने के लिए बोलती है। एंड जेमा के कारण उसका ध्यान पहली वाली आवाज से भटक जाता है और वो भूल जाती है। देन वो और जेमा डिस्कस करते हैं कि आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। एक्चुअली गाइस, ये कोरोना का ही टाइम है, जहां कोरोना की वजह से सब लोगों को घर पर ही रहकर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और इसी वजह से हेली, जेमा और उसके कुछ दोस्त आपस में हर हफ्ते एक जूम मीटिंग करके बातचीत और अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते थे। तो इन लोगों का आज का प्लान था एक सियांस करने का। जी हां, सियांस। सियांस वो चीज होती है जिसमें एक मीडियम के द्वारा स्पिरिट से बात की जा सकती है। तो यहाँ पर जेमा और हेली इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो जेमा बोलती है कि मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है, मुझे अजीब लग रहा है ये सब करना। तो हेली कहती है यार चिल कर, बहुत कूल है, मैंने बहुत बार इसको ट्राई किया है और बहुत ज्यादा मजा आता है। और हम देख पाते हैं एमा रूम में ज्वाइन होती है। जी हाँ, एमा उसकी एक फ्रेंड होती है और बोलती है कि मैं नर्वस हूँ, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। और तभी एक और फ्रेंड रेडीना ज्वाइन करती है। फिर हम देखते हैं रेडीना का बॉयफ्रेंड पीछे जोर जोर से सब्जी काट रहा था। फिर कैरोलाइन भी ज्वाइन करती है, जो कि अपने फादर के साथ खड़ी थी। एंड फिर जैसे जैसे चॉपिंग की आवाज जोर जोर से आने लगती है, तो रेडीना पीछे जाके उसके बॉयफ्रेंड को बोलती है और उसका बॉयफ्रेंड कमरे खाली करके चले जाता है। शायद कुछ तनातनी हो गई थी उनके बीच में। और फिर उन लोगों का एक और दोस्त टेडी ज्वाइन करता है, जो कि उसकी अमीर जीएफ जिनी के घर पर था और लॉकडाउन की वजह से उसी के साथ रह रहा था। और फिर टेडी उनको एक क्रीपी सा क्लोन दिखाता है, और फिर वो एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है जो उसकी दादी का था, जिसे वो बचपन से नफरत करता था क्योंकि उसका भाई उसे स्पूक करता था क्योंकि उसमें डरावने गाने बजता था। कैरोलाइन तो सियांस शुरू होने से पहले ही डरी हुई, बट हेली उन्हें अश्योर करती है कि उसकी गाइड ने ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स करवा रखी है। और फिर वो बोलती है कि मजाक मस्ती से दूर, अब सब इसे सीरियसली लेंगे। और तभी टेडी बोलता है कि अगर बुरा ना मानो तो जब भी कोई एस्ट्रल पिन बोलेगा तो सब एक एक शॉट लेंगे और सब मान जाते हैं। और फिर हेली बोलती है कि सब रेडी हो जाओ, गाइड वेटिंग रूम में है। और सेलन को एडमिट कर लेती है, जो कि प्रोसेस में सबको गाइड करने वाली है। और सेलन बताती है कि उसने कभी ऑनलाइन सियांस परफॉर्म नहीं किया और ये सब उसके लिए पहली बार पहला एक्सपीरियंस। फिर वो सबसे पूछती है कि तुम सब अपने अपने ट्रिगर्स ऑब्जेक्ट लाए हो जिसे स्पिरिट से कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। सेलन इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम सब अपने अपने कैंडल्स को जला लो, जो कि एक बीकन यानी स्पिरिट से सिग्नल पाने का जरिया बनेगा। और सेलन बोलती है कि उसके दिमाग में जिस किसी की भी शक्ल, नेम या मेमोरी आए तो उसे बताए। अब जब भी कोई स्पिरिट कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो फिजिकल टच करने का एहसास, लाइट की फ्लिकर करना, डोर का अपने आप खोलना या बंद हो जाना, या किसी सामान का अपने आप हिलना, ऐसे एफर्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, तो ये सब भी उन्हें सेलन को बताना होगा। ये सब आत्माओं का इशारा होता है, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं और अपने अपने घरों पर हैं। एंड इसीलिए इन लोगों को इमेजिन करना होगा कि वो लोग एक सर्कल में बैठे हैं और उनके वेस्ट पर एक रोप बंधी है, जो कि ये रोप उन्हें फिजिकल वर्ल्ड से जोड़कर रखेगी और दूसरे वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके रखेगी। जब ये ऑनलाइन सियांस एंड होगा, तब उन्हें ये इमेजिन करी हुई रस्सी को काटनी होगी, जिसे वो वापस फिजिकल वर्ल्ड में आ सकेंगे और स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन कट कर सकें। ये सब तो हुए इंस्ट्रक्शन। बारी आती है इसे सही में परफॉर्म करने की। अब सब लोग लाइट ऑफ करके और कैंडल जलाकर अपने आईज क्लोज करके रेडी हो जाते हैं। तभी टेडी की गर्लफ्रेंड जिनी पीछे से आकर सबको डिस्टर्ब कर देती है और टेडी को ले जाती है, जिसके कारण उसे मीटिंग से किक आउट कर दिया जाता है। फिर सब लोग फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं और ध्यान लगाते हैं। फिर सेलन पूछती है कि यहाँ कोई स्पिरिट है जो उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है, और बाकी लोग भी इसे रिपीट करते हैं। देन सेलन पूछती है अगर कोई आत्मा है तो गेट को नॉक करे, और फिर थोड़ी खामोशी के बाद और वहाँ डोर पर दो बार नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग डर के स्क्रीन पर देखने लगते हैं कि यह आवाज़ किधर से आ रही है, बट एक्चुअली ये नॉक वाली साउंड सेलन के ग्रोसरी बॉय के नॉक करने का था, जो उसे ग्रोसरी देने आया था। फिर सेलन सबको सॉरी बोल वहाँ से उठ के ग्रोसरी लेने चले जाती है, और फिर जेमा और एमा सेलन का मजाक बनाते हैं।
जेमा जोर से चिल्लाकर उठ जाती है और ये कहती है कि उसके गले को कोई जोर से दबा रहा है और फिर रोने लगती है और बाकी सब उसे देखने लगते हैं। सेलन जेमा से पूछती है कि उसके माइंड में किसकी इमेज या मेमोरी आ रही है, तो वो बताती है कि जैक की, जो उसके स्कूल का फ्रेंड था। उसने उसकी काफी हेल्प करी थी जब वो एक बार बुरी हालत में थी और उसके कुछ टाइम बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एकदम से सेलन के पीछे कुछ गिरता है और उसके नेटवर्क टूट जाती है। देन जेमा रिवील करती है कि उसने ये एक मजाक किया था, जिस पर हेली उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और एक शॉर्ट ब्रेक लेने का कह देती है। ब्रेक के बाद सभी झगड़ने लगते हैं और जेमा अभी भी प्रैंक के मूड में ही थी, पर तभी अचानक से हेली का चेयर जो था उसके साथ कुछ दूर खिंचा हुआ चला जाता है। यानी कि लाइव सेशन में यहाँ पर हुआ ये था कि सच में एक स्पिरिट आ गई थी। अब यहाँ एमा पैनिक में हेली से ये कहती है कि यदि वो आज मर गई तो उसे ही हॉर्न करेगी। यहाँ पर हेली ने ये सेशन 2 से 3 बार कर रखा था, तो वो ये सेशन कंटिन्यू रखती है। आई मीन नॉट ऑन वीडियो कॉल, बट रियल में ये चीज़ उसने कर रखी थी। अब वो वहाँ सवाल करती है कि यहाँ पर यदि कोई आत्मा है जो उनसे बात करना चाहती है। अब यहाँ अचानक से बहुत तेज नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हेली अपने घर पर चेक करने के लिए जाती है, बट वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब अचानक से कैरोलाइन के घर पर आवाज़ आती है, तो वो ऊपर वाले एटिक पर चेक करने के लिए जाती है। अब वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो खुद वहाँ पर नहीं जा सकती थी, तो वो अपने मोबाइल को सेल्फी स्टिक पर लगाकर सबको वहाँ एटिक पर दिखाती है। और वहाँ जैसे ही वो वहाँ पर कैमरा घुमाती है, वहाँ पर किसी के लटके हुए पैर दिखाई देते हैं। इसे देखकर बाकी सब लोग एकदम से फ्रीक आउट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हेली को अब अपने घर पर कोई लटका हुआ दिखता है जिसके पैर नहीं होते। वो अपने पोलराइड कैमरे को लेने जाती है, वो अपने पोलराइड कैमरे से उसका फोटो लेकर सबको दिखाती है। और तभी एमा के सामने रखा हुआ ग्लास अपने आप ब्रेक हो जाता है। वो शॉक में नीचे गिर जाती है और पीछे की तरफ जाने लगती है और वो दीवार से सट जाती है। अब सब लोग हेली को सेलन को फ़ोन लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे बात कर सके कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फाइनली हेली का फ़ोन सेलन को लग जाता है। अब जेमा यहाँ पे सच बोलती है कि उसने वो पहले प्रैंक किया था, लेकिन अब सच में कोई स्पिरिट उनको हॉन्ट कर रही है इस सीएंस में। सेलन यहाँ ये कहती है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि स्पिरिट्स को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रैंक के कारण से एक फॉल्स स्पिरिट वहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि जेमा ने एक ओपन इन्विटेशन दे दिया, एक तरीके से उन्होंने न्योता दे दिया है। फॉल्स स्पिरिट एक मास्क की तरह होती है जिसे पहनकर कोई भी स्पिरिट आ सकती है, किसी का भी रूप धारण करके आ सकती है। यदि वो लकी हुए तो एक नॉर्मल इंसान की स्पिरिट होगी, सीधा साधी सी आत्मा होगी, मगर अगर अनलकी हुए, बहुत ज़्यादा अनलकी हुए, तो फिर वो एक डेमोनिक स्पिरिट हो सकती है। अब सेलन का ये कहना था कि वो तुरंत ही इमेजिनरी रूप को काट दे जिससे उनका लिंक उस दुनिया से टूट जाएगा। अब वो लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं, वहाँ सेलन से ये कहते हैं कि स्पिरिट हाँ के लिए एक बार नॉक करें और ना के लिए 2 बार। अब फिर उसके बाद वो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अब वो लोग ये पूछते हैं कि क्या कोई उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हेली की रूम की लाइट एक बार जल जाती है, जैसे कि उसने पहले ही बोला था कि अगर हाँ हो तो एक बार नॉक करें, तो इसलिए हेली की लाइट एक बार जल जाती है। सेलन फिर दोबारा पूछती है कि क्या तुम दोस्त हो। अब सबकी लाइट 2 बार जलती है और खतरनाक तरीके से फ्लिकरिंग करने लगती है। सभी लोग डर के रोने लगते हैं और सेलन का फोन भी कट जाता है। हेली अब सभी को रस्सी काटने के लिए कहती है ताकि उनका उस दुनिया से कनेक्शन टूट सके, और सभी लोग डरकर ये रिचुअल करते हैं। सभी लोग सेशन एंड करके कैंडल लाइट बुझाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, वापिस पहले जैसा हो गया। अब सभी लोग शौक मस्ती और डर में थे। रेडिना और कैरोलाइन अपने घर में काम करने लगते हैं यह सोचकर कि सब कुछ सही हो गया। एमा को अचानक से ही अपने घर में एक आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो देखने जाती है वहाँ पर एक मास्क हवा में लटका हुआ था। हेली और जेमा भी ये लाइव देखते हैं और सोचते हैं कि एमा ने उनके साथ कोई मजाक किया है, जबकि ऐसा नहीं था। जैसे ही एमा उसे छूने के लिए जाती है तो वो मास्क उसकी तरफ मुड़कर उसी पर हमला करने के लिए आता है और गायब हो जाता है। एमा डरते हुए किचन में भागती है और वहाँ से आटा लेकर हॉल पर छिड़क देती है ताकि वो स्पिरिट को देख सके, लेकिन अब वहाँ पर अचानक से ही कोई नहीं होता और उसके कुछ ही पल के बाद डेमोनिक स्पिरिट के फुटप्रिंट्स को साफ साफ देख पाती है। और हम देख पाते हैं कि एमा का पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। एमा अब दौड़कर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ये डेमोनिक स्पिरिट उसको हवा में लटका देती है, जिससे वो किसी तरह बचती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल और डरी हुई थी। क्या करती है कि एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है, और यहाँ पर एमा का फेस फिल्टर भी ऑन था। दूसरी तरफ रेडिना अपने घर में बीएफ एलन को ढूंढती है, जहाँ पर वो कहीं भी नहीं होती।
होता। तब वो टॉयलेट के अंदर जाती है जहाँ पे उसे एलन का फोन दिखाई देता है, और जब वो वापस आती है तो अचानक से ही एलन की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वो मर गया है जिसको उसी डेमोनिक स्पिरिट ने मारा था। अब वो स्पिरिट रेडीना पर बुरी तरह से हमला करके उसको भी जान से मार डालती है। उसकी स्क्रीन पर एक रेड कलर का खून का निशान हमको दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम कैरोलाइन की विंडो पर उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को देख पा रहे थे, जिसे सब ये समझते हैं कि वो ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद ये नोटिस करते हैं कि वो उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, और तभी अचानक से ही वो स्पिरिट रियल कैरोलाइन को उसका सर पटक पटक कर जान से मार डालती है। एंड सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जैमा यहाँ हेली पर चिल्लाती है कि वो कुछ करे क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। तभी वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, और इसके चलते वो स्पिरिट हेली को घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाती है। अब जैमा अपना मास्क पहनकर घर से बाहर जाती है। यहाँ पर सिर्फ एमा ही लाइव स्ट्रीम देख रही थी, और तभी अचानक से ही डैडी फिर से लाइव आ जाता है और पूछता है कि सब कहाँ गए। एमा शॉक में चिल्लाती है कि वो बाहर चले जाए, तभी अचानक से डैडी के रूम की लाइट भी चली जाती है। उस पर भी खतरनाक हमला होता है, और जब वो डर कर बाहर जाता है तो वो ये देखता है कि उसकी जीएफ को ये स्पिरिट हवा में लटका के रखा हुआ है। फिर उसकी जीएफ की वो गर्दन मरोड़ती है और सीधे स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देती है। इसे डैडी बुरी तरह से डर जाता है, एंड आई थिंक ये मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। उसके अगले सीन में हम डैडी को उसके बैकयार्ड में देखते हैं, जहाँ पर फांसी का एक फंदा लटका हुआ था, और उसके बाद ही अचानक से होता ये है कि वो स्पिरिट उसको भी जान से मार डालती है, वो भी जलाकर। और यहाँ पर सबसे दर्दनाक मौत भी यही थी, क्योंकि डैडी उस वक्त जिंदा था क्योंकि वो जस्ट बेहोश था, और उसके मुंह पर आग लग जाती है जिससे वो मर जाता है। अब वो स्पिरिट एमा के पास भी आ जाती है, और एमा चादर को हवा में फेंकती है जो हवा में ही रुक जाती है, मतलब वो डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पर थी। एमा को वो डेमोनिक स्पिरिट इस कदर डराती है कि वो अपनी घर के ही विंडो से छलांग लगा देती है, और जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैमा अब हेली के रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो नहीं थी। जैमा पर वो स्पिरिट भी हमला कर देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। होश आने पर जैमा वहाँ से भागती है, और उसे हेली दूसरे रूम में छुपी हुई मिलती है। हेली जैमा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सिर्फ एल्बो ही टकराते हैं उनके। अब हेली घर से जाने से पहले रूम की फोटो लेने जाती है, तो एक दो फोटो लेने के बाद एक डरावना डेमन उन पर अटैक करता है, और स्क्रीन पर जूम सेशन एंड होने का मैसेज आता है।